हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 चैप्टर 5 केमिस्ट्री पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पार्ट सेकंड वीडियोस। हम लोग जो पार्ट फर्स्ट वीडियोज है उसमें हम लोग ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल और मेंडली पीरियडिक टेबल ऑलरेडी स्टडी कर रखा। तो आज हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। हम फर्स्ट यहां पे लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड्स, ठीक है। अगर हम पीरियड की बात करें तो हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है हम उसी पर डिस्कस करना। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स थे? 118 एलिमेंट्स है एट प्रेजेंट। हमारे जो प्रेजेंट है 118 एलिमेंट्स है, इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? नंबर्स ऑफ पीरियड है 7 और नंबर्स ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? टोटल 18 ग्रुप्स, ठीक है ना। लेकिन आपके जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें हमें पढ़ना है आपका ग्रुप फर्स्ट 1 एंड सेकेंड ग्रुप एंड 13 to 18, ठीक है ना। जो आपके हैवी मेटल्स ग्रुप या हैवी मेटल या ट्रांजिशन मेटल है उसको आप नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ेंगे। तो यहां पे हम आते हैं फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पीरियड्स का लेते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसी को बोलते हैं हम आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जो आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर यहां पे हम थर्ड पीरियड ले, ठीक है ना, समझने के लिए यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पीरियड्स का, ठीक है। यहां पर जो बात करेंगे हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करेंगे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। तो यहां पर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। यहां पे थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स कौन से है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपका हो गया सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है ना। अगर इनकी नेमिंग कर दें तो आपका हो जाएगा ये सोडियम, ये आपका मैग्नीशियम, ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन, ये आपका हो जाएगा फास्फोरस, ये आपका हो जाएगा सल्फर, ये आपका क्लोरीन, ये आपका हो जाएगा आर्गन, क्लियर है। अगर हम यहां पे सिंबल अपने रिप्रेजेंट कर दिया, अब यहां पे मैं सरल सिंबल रखता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं। ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, ठीक है ना। हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इज द बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करें, सोडियम का क्या होता? 11 होता, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17 है 18, ठीक है ना। अब यहां पे हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। अगर यहां पे इसका ले तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 281, इसका हो जाएगा 282। यहां पे 2 क्या? ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है,
लास्ट चला जाए, इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये के एल एम, ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी फर्क है, यहाँ पर हो जाएगा 283, 284, 285, 286, 287 और इसका मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 288। अगर यहाँ पे देखें तो जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट सेल क्या है, यहाँ पे ये है सबसे बारी सेल, ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे लिखें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हमारा 8 क्या है, ये आर्गन का है, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 है, यानी ये पूरा अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस या अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो होता है ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीरियड्स की, अगर पीरियड्स की देखें तो क्या आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे शो करेंगे, यहाँ पे है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ठीक है ना। जब हम मूव करते हैं कहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। यहां का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है क्या हो रहा है, ये 1 से 8 तक क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है ना, क्या मूवमेंट है, लेफ्ट टू राइट, देखिए जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4 ये इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, फ्रॉम 1 to 8। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पीरियड का क्या है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है, अगर यहां पे देखा जाए थर्ड पीरियड की बात करें, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन, यहां पे अगर वैलेंसी की बात करें तो क्या, इसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो या तो वो लूज करता है या गेन करता है, ठीक है ना। क्यों लूज करता है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इनर्ट गैसेस का होता है, जैसे इसके लास्ट आउटर सेल में क्या 8 है, तो इसको 8 कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे 281 है तो यहाँ पे 1 क्या करेगा, ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तब इसका 8 पूरा होगा, या 1 को लूज करे। तो यहाँ पे 1 को लूज करना इजीली है किससे, 7 को गेन करने से। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गई इसकी, 1 हो गई। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो अगर वैलेंसी की आप थोड़ी सी डिफिनेशन लिखते तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन्ड और शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना।
ये जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, चाहे लॉस्ट होता है या गेंद होता है या शेयर होता है, बाई एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम द्वारा जितना भी इलेक्ट्रॉन्स चाहे लॉस्ट होता है या गेन होता है या शेयर होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स ही उसकी बैलेंसी कहलाती है उस एलिमेंट्स की। क्यों? क्योंकि उसको अचीव करना होता है नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब जो हमारा इनर्ट गैस का जो कॉन्फिगरेशन है उसमें क्या होता है, लास्ट जो आउटर सेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन जो हीलियम है इसमें क्या होता है, 2 होता है। तो जो हमारा नियरेस्ट होता है, जैसे सपोज करिए अगर हाइड्रोजन है तो इसका कितना एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसको नियरेस्ट क्या होगा, इसको अचीव करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर ले तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन है, इसको अचीव केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बाकी जो मोस्टली आपके एलिमेंट्स है उनके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको आउटर सेल में बनाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें बैलेंसी की, अगर बात करें इसको हम इरेज करते हैं, अगर हम बैलेंसी की बात करें तो यहां पे सोडियम की बैलेंसी क्या हो जाएगी, केवल अगर हम बैलेंसी की बात करें तो सोडियम की बैलेंसी यहां 1 होगी, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजीली है, तो यहां पे 2 होगी। यहां पे बैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। सिलिकॉन की क्या होगी, 4 होगी। बट यहां पे जैसे यहां पे 5 है, तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, गेन करेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही इसकी बैलेंसी है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगी, 3 हो जाएगी, फिर यहां पे 2 हो जाएगी, फिर यहां पे 1 हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इनर्ट गैस इसमें 8 है, तो यहां बैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड में बात करें तो क्या होगा, यहां पर बैलेंसी क्या हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा, आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, द बैलेंस शीट ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4, then decreases 0, ठीक है ना। इसके बाद ये डिक्रीज होती है 0, तो यहां पे क्या होगा, जो वैलेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है पीरियड में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, तो क्या होता है पीरियड में, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो इंक्रीज करेगी, उसके बाद फिर क्या डिक्रीज करके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कर लेते हैं साइज ऑफ एटम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड का थर्ड हो गया साइज ऑफ एटम्स। यहाँ पे मैंने थर्ड पीरियड का ही एलिमेंट्स लिया हुआ है, जो थे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, और नेक्स्ट हमारा था आर्गन था। तो यहाँ पे अगर इनका एटम साइज ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं एटॉमिक साइज भी बोल देते हैं, एटॉमिक साइज, इनका जो एटॉमिक साइज है 186 एक इसमें पिकोमीटर में, ठीक है ना, पीएम पिकोमीटर। अगर एक पिकोमीटर की बात करें तो क्या होता है, 8×10^-12 मीटर होता है, ठीक है ना। ए इसकी काफी लोवेस्ट यूनिट है, तो ए आपका 1 PM = 10^-12 मीटर है। तो ये हमने जो इसकी साइज दिया है सब क्या है, ये पिकोमीटर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी साइज क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ये क्या है, रेडी ऑफ एटम्स, रेडी ऑफ एटम्स का मतलब इसका रेडियस है, ठीक है ना। तो प्लूरल वर्ड ऑफ द रेडियस इज नोन एज रेडी, ठीक है ना। जब हम एक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसको रेडियस बोलते हैं, जब हम यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेडी ऑफ एटम्स, रेडी जो वर्ड है क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे सोडियम का क्या 186 है, तो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अगर यहां पे अगर हम इसकी बात करें क्या हो जाएगा, आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे इन द पीरियड द साइज ऑफ एटम्स
डिक्रीज, ठीक है ना। यहाँ पे जो साइज ऑफ एटम्स क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे सोडियम का क्या, अगर यहाँ पे देखा सोडियम का अगर रेडियस इतना बड़ा है तो मैग्नीशियम का थोड़ा और छोटा हो जाएगा, इसका और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह साइज क्या है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे आर्गन का मैंने नहीं लिखा, जो आर्गन है ठीक है ना, एक तरह से एक्सेप्शन कर लीजिए, इसकी जो साइज होती है, जो हेलोजन ग्रुप वाले हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब जो है, इसकी क्लोरीन से बड़ी होती है, ठीक है ना, अबाउट 102 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इससे 99 से ग्रेटर है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, अब यहाँ पे रीजन ये है कि जैसे जैसे एटम्स बड़ा होता जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब 99 इसका है तो क्या होता है, जब इसके आउटर मोस्टल में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, इसका 11 था, इसका कितना हो गया था 13, 14, इसका 18 हो गया। तो यहाँ पे अगर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर अगर 17 है, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 होंगे, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके चारों बाहर होते हैं। तो इसमें जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो जो ए फोर्स है कंपेयर टू द सोडियम क्या होगा, हाई होगा। जब ये फोर्स हाई होता है तो क्या होता है, एक को कांटेक्ट कर देता है, तो इनकी साइज को क्या कर देता है, ये छोटा कर देता है। तो इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनमें लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, न्यूक्लियस जो फोर्स है आपका, ए आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में, तो इसके क्या करता है, एटॉमिक साइज को रिड्यूस कर देता है। बट यहाँ पे जब ये इनर्ट गैसेस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चूंकि इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन है, तो ये अनरिएक्टिव है, ठीक है ना। तो चूंकि ये अनरिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है केवल क्लोरीन की तुलना में, जो आपका 17 है, इसके तुलना में ये थोड़ा ज्यादा होती, जो एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर हम थर्ड आते हैं, अब थर्ड का मैंने बात कर लिया साइज ऑफ एटम्स, अब फोर्थ लेते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ लेते हैं यहां पर हम, मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें थर्ड पीरियड के ही एलिमेंट्स में, तो हमारे क्या होता है, ये हमारे मेटल्स होता है, ये हमारा जो है मेटलॉइड है, और हमारा ये हमारा नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर हम मेटल्स की बात करें, तो यहां पे मेटल्स क्या है, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो पहले क्या मेटल्स, फिर मेटलॉइड, मींस इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है ना। तो मेटल्स मेटलॉइड फिर नॉन मेटल में चेंज हो रहा है। तो अगर यहां पे देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड में, आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन द पीरियड, अगर फर्स्ट बात कर रहा है, तो क्या यहां पे जो मेटेलिक कैरेक्टर है, एलिमेंट्स डिक्रीजेज है, ठीक है ना। इसका मेटल्स से क्या होता है, नॉन मेटल्स की तरफ, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां नॉन मेटल का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो क्या यहां पे नॉन मेटल बिल्कुल नहीं है, फिर धीरे धीरे नॉन मेटल बढ़ रहा है, यानी क्लोरीन हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये हमारा नॉन मेटल्स है। तो यहां पे मेटलिक कैरेक्टर एलिमेंट्स डिक्रीजेज है, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर देखा जाए तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव की बात करें, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा, यानी कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है,
ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब अगर यहाँ सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, जो हमारे मेटल्स ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो ये क्या होता है, ये इस पे निगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देखें तो क्या होता है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव कैरेक्टर है यहाँ पे क्या काफी हाई है, यहाँ पे और लो है, यहाँ पे और लो है, धीरे धीरे और लो होता जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें, अगर कैरेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है, यहाँ पे डिक्रीजेस है, क्लियर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रो निगेटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजेस, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो धीरे धीरे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो गेन करना है ये यहाँ पे लूज, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव शो करता है कैरेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रो निगेटिव कैरेक्टर शो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर हाई रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, तो एक तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रो निगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम देखा जाते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू, या एन एटम की जगह एन एलिमेंट कह लीजिए, एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो टेंडेंसी होती है एक एलिमेंट के लिए जो लूज इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या है, ये डिक्रीजेज है, डिक्रीजेज, अब यहां पे क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, यहां पे लूज वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इजिली लूज करता है, थोड़ा स्लो लूज करता है और स्लो लूज करता है, तो यहां पे लूज इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी क्या है, जो एलिमेंट की, वो डिक्रीजेज फॉर्म में है, फिर यहां पे गेन करता है, बहुत हाईली गेन कर ले, ठीक है ना, ये थोड़ा ये भी गेन करता है, फास्फोरस भी, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, लेकिन यहां पे जो ये है क्या, इसकी जो गेन करने की पावर है इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या है, ये हाई है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज है, और लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, धीरे धीरे डिक्रीजेज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ये हो गया उसका मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है, मेटेलिक कैरेक्टर्स हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हमारा थर्ड पीरियड जो एग्जांपल के रूप में लिया है, यहां पे क्या है, ये हमारा हाईली बेसिक ऑक्साइड है, तो हाईली बेसिक है हमारा, ये क्या है, हाईली एसिडिक, यहां पे जो ऑर्गेन है, ठीक है ना, यहां पे एक इनर्ट गैसेस है, इसका मतलब है अनरिएक्टिव है, तो जब अनरिएक्टिव है तो जब किसी से ए रिएक्ट करेगा नहीं तो कोई ना ऑक्साइड फॉर्म करेगा, इसलिए जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो पीछे पढ़ाया था वहां भी आर्गन को आप हटा के देखिएगा, ठीक है ना, मैंने उसको मिटाया नहीं था, तो यहाँ पे केवल नॉन मेटल आपके ए और ये आपका मेटलाइड था और ये आपके मेटल्स थे, तो आर्गन क्या है, अनरिएक्टिव है, जो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस है, तो यहाँ पे हाईली एसिड है, और यहाँ पे जो आपके ए दोनों क्या है, ये एम्फोटेरिक,
एम्पोटेरिक ऑक्साइड। जो एम्पोटेरिक मीन्स क्या है, एम्पोटेरिक वो होता है जो कि एज वेल एज बेसिक का भी और एसिड का भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है ना। जो एसिड का भी कैरेक्टरिस्टिक शो करे, बेसिक का भी कैरेक्टरिस्टिक शो करे, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। इसमें आपका एल्युमिनियम चलता है, लेकिन आपका जो सोडियम मैग्नीशियम है, ठीक है ना, ये बेसिक ऑक्साइड है और इधर क्या है धीरे धीरे ये एसिडिक है, ठीक है ना। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, आर मूविंग, अगर हम मूव करते हैं आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एंड द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज, ठीक है। जब हम इसमें लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो क्या पे, यहाँ पे हाईली बेसिक है, फिर इसे थोड़ा लो बेसिक ऑक्साइड्स होता है, ये एम्फोटेरिक शो करने लगता है, फिर धीरे धीरे हाईली एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। जो बेसिक ऑक्साइड की जो नेचर आप बेसिक ऑक्साइड्स है वो धीरे धीरे पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। लेकिन वहीं पे जो एसिडिक है, यहाँ पे एसिड क्या है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना। हाईली बेसिक है तो यहाँ पे एसिड जीरो है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे एसिड हाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है वो इंक्रीजेस शो करता है, और जो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड से क्या है, डिक्रीजेस शो करता है आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। यहाँ जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं, हमेशा मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हो गया। अब आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड। अगर हम पीरियड्स के अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी देखें तो क्या है, अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी, ये क्या हमारा, ये हाई रिएक्टिव है, ये हमारा लिस्ट रिएक्टिव, फिर हमारा क्या है, ये हमारा हाई रिएक्टिव है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है, ये अनरिएक्टिव है, इसलिए हम इसको पीरियड में समझने के लिए भी हटा देते हैं, क्योंकि ये जो आपका इनर्ट गैस या नोबल गैस वाला जो है, ये आपका अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए तो ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी समझने के लिए इसकी कोई नीड नहीं है। तो अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट क्या है, हाई रिएक्टिव है, फिर लिस्ट रिएक्टिव है, फिर हाई रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो रिएक्टिविटी है, पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, कहा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले क्या हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है, फर्स्ट क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, ठीक है ना। यहां क्या, हाई रिएक्टिव से धीरे धीरे लो की तरफ जा रहा है, फिर लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट ये डिक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, फिर क्या है, ये उससे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये और लो है, ये वेरी लो है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, फिर क्लोरीन क्या हो जाता है, फिर क्लोरीन हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है, पहले तो क्या होती है, हाई से लो की तरफ जाती है, फिर लो से हाई की तरफ जाती है, तो फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, ये आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड्स। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है।
हमारे टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट अगर ग्रुप्स लें, फर्स्ट अगर ग्रुप लें, हमारे कौन कौन से एलिमेंट है इसको याद है, यही पे लिख लें। फर्स्ट ग्रुप आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में मैंने हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है, लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टीज अगर पढ़ते हैं तो हम हाइड्रोजन को एक्सेप्शनल मान के इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पे देखा जाए तो इसको हम एक्सेप्शनल कर लें, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम नहीं लेते। अगर इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो क्या 1 है, इसका क्या है 3, इसका 11, 19, रुबिडियम का हो गया 37, 55 एंड 87, ठीक है ना। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहां पे 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन से, यहां से बात करें तो क्या हो जाएगा इसका 2-1 हो जाएगा, इसका 2-8-1, इसका 2-8-8-1, इसका हो जाएगा 2-8-18, आपका 8-1, ठीक है, 28-8-36-1-37, इसका आपका हो जाएगा 2-8-18-18-8-1, इसको 55-10 और प्लस 18, यहां पर हो जाएगा 2-8-18-32-18-8-1, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यहां पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो उसमें लिए थे सेम यहां भी वही रहेगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहां पे बात करें तो जो हमारा आउटर मोस्ट टेल है, यहां पे क्या है 1 है, यहां पे भी 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 1 है, और आपका यहां पे भी 1 है, ठीक है ना। यहां पे 87 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पे 55 का, थोड़ा दूरी कर दे, इस सीजियम है 55, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां पे फ्रांसियम है 87 है इसका, यहां पे 37 का है, 91 का, 11 का यहां पे, ठीक ठीक है। तो यहां पे आपका जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, जिसके एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87 अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रिप्रेजेंट हियर। तो यहां पे क्या है, जो आउटर मोस्ट सेल है यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 1 1 1 1, सब पे क्या है 1 है। तो अगर हम ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहां सब में सेम है, ठीक है ना, तो सब में सेम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ यहां पे लिख सकते हैं, बल्कि यहां पे लिख सकते हैं बल्कि ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, जो किसी भी ग्रुप के जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ ए पीरियोडिक टेबल है ना, ऑफ द पीरियोडिक टेबल है सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सब में क्या है, जो हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है। अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें, ठीक है ना,
इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप क्या है। जब हम किसी एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है सब में क्या होगा, सेम होगा। अगर हम सेकेंड ग्रुप ले लें तो सेकेंड ग्रुप में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, यहां पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप का क्या एलिमेंट है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्सियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बैरियम है, रेडियम है, ठीक है ना। यहां पे सेकेंड पीरियड से शुरू होता है, यहां पर सेकेंड ग्रुप जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्सियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम। अगर इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका आपका 12 है, इसका 20 है, इसका आपका 38 है, 38। बैरियम का क्या है, 56 है, और रेडियम का क्या हो जाएगा, 88। अगर इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 था तो आउटर सेल में क्या था, 1 था। यहाँ पे जो आउटर सेल में जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी आउटर सेल में 2 होगा, यहाँ पे भी आउटर सेल में 2 होगा, यहाँ भी आउटर सेल में 2 होगा, यहाँ में 2 होगा, यहाँ में 2 होगा, ठीक है ना। तो ऑल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ ए पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। अब यहां पे अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, बैलेंसी की बात करें, ठीक है ना, सेकेंड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए ग्रुप्स का, तो यहां पे बैलेंसी क्या है, बैलेंसी भी हमारा क्या होता है, बैलेंसी जो आउटर बैलेंसी सेल है तो क्या होगा, अगर यहां पे 1 है, सब में 1 है, इसकी बैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, इसकी बैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह आउटर मोस्ट सेल में 2 है तो यहां बैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब एक एक ग्रुप की बात करेंगे तो यहां पे बैलेंसी भी सेम हो जाएगी, यहां बैलेंसी का भी क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है सेम बैलेंसी, सेम बैलेंसी। यहां पे बैलेंसी भी क्या होगी, सेम ग्रुप में सेम बैलेंसी होगी, ठीक है ना। तो यहां पे बैलेंसी हो गया, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड आते हैं साइज ऑफ एटम का, नेक्स्ट आते हैं साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स। अगर हम साइज ऑफ एटम्स देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स में, ठीक है ना, तो क्या है, यहां पे लिख सकते हैं आप ongoing down in a group of the periodic table the size of atoms, इसी को हम बोलते हैं atomic size, atomic साइज। तो साइज ऑफ एटम्स क्या हो रहा है, इंक्रीजेज, ठीक है ना। यहां पर मैंने साइज पहले से लिख रखा, जो एटॉमिक साइज है ये पिकोमीटर में, तो हमने अभी जस्ट पहले बताया था 1 picometer इक्वल टू 10^-12 मीटर, ये सबसे लोएस्ट यूनिट है। तो यहां पे क्या, ये लोएस्ट यूनिट में दिया हुआ, तो वहां पे 152 है, वहां 186 है, 231 है, 244 है, यहां कैसे है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पे क्या है, जब हम ग्रुप में चलते हैं ऑन गोइंग डाउन यानी नीचे की तरफ, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या ऑन गोइंग डाउन भी राइट कर सकते हैं, या वी कैन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। अगर फ्रॉम ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज, यहाँ पे क्या हो रहा, हमारा जो एटम्स की साइज क्या है, इंक्रीज कर रहा है। उसका रीजन क्या, यहाँ पे रीजन ये है, यहाँ लिथियम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे केवल 2 सेल है, आपका एक के सेल है और यल सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, के यल एन यम, यहाँ पे 4 सेल है, के यल यम एन। इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 सेल है। तो एक यहाँ पे और भी नॉलेज मिला, क्या मिला, अगर इसमें 2 सेल है, ठीक है ना, इसका मतलब एक दूसरे पीरियड में होगा, ये एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेस पे भी हम नंबर ऑफ पीरियड बता सकते हैं। यहाँ पे सोडियम में कितना है, 3 सेल है, 1, 2, 3,
थ्री सेल, इसका मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अगर इसमें फोर सेल है तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। अगर इसमें वन टू थ्री फोर फाइव है तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। इस तरह इसमें सिक्स है तो सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। अगर यहाँ पे क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसका मतलब है सेवन पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सेल की साइज होगी ये क्या होगी, काफी बड़ी होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ सेल होगा। तो ये सेल जब इसमें सेवन लेयर सेल है तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी साइज क्या होगी एटम की, यहाँ पे जो एटम की साइज होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स आर मैक्सिमम इन द रिस्पेक्ट ऑफ लिथियम। तो यहाँ पे जो लिथियम का एटॉमिक साइज है वो आपका छोटा होगा। धीरे धीरे जैसे ही हमारा एटम्स डाउन की तरफ जाएंगे, डाउन की तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम की बात करेंगे तो वहां पे एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, अब फोर्थ हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। अब फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं मेटैलिक कैरेक्टर। मेटैलिक कैरेक्टर, अगर मेटैलिक कैरेक्टर की बात करें तो यहां पे क्या है, ये आपका लिस्ट मेटैलिक है। और यहां पे क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये आपका मोस्ट मेटैलिक कैरेक्टर शो करता है, लिस्ट मेटैलिक कैरेक्टर शो करता है। इसका मतलब क्या है, हम अगर अगर टॉप टू बॉटम जाए तो यहां पे क्या है, इसका जो मेटैलिक कैरेक्टर क्या है एलिमेंट्स का, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर यहां देखें तो क्या हो जाएगा, आर गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आई एम गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द मेटैलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है। यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आर गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज। अगर यहाँ पे अगर हम आपका ग्रुप 17 लें, ठीक है ना, ग्रुप 17 अगर ले रहे हैं तो वहां पे क्या है, 17 अगर ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा क्लोरीन, 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 ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, 17 ग्रुप में क्या है, ये आपके हेलोजन ग्रुप जो है। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, तो यहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ये डिक्रीज होता है। ठीक है ना, यहां पे जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर of elements decreases। ठीक है ना, यहां पे increases है, यहां पे decreases है, यहां पे क्या है, क्योंकि देखिए अब जब यहां पे increase हो रहा है तो यहां पे अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्ट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्ट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा इस केस में, ठीक है ना, इंक्रीजेज होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज होगा है क्या पे, आन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हम यही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल, यहां पे जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। क्यों होगा, यहां पर देखिए क्या, यहां पर जो आउटर मोस्ट में क्या वन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ होता है, जहां पे लूज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है ना, जहां पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता, जब इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट एटम क्या करता है, लूज करता है। तो यहां पे जब लूज करेगा तो यहां क्या, यहां पे जो इसके आउटर सेल में है क्या है, वन है, तो ए लूज कर रहा, तो यहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा। यहां पे भी वन इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा, ए भी लूज करेगा, लेकिन यहां पे क्या, अगर यहां पे न्यूक्लियस की बात करें तो यहां पे आपका सोडियम थर्ड सेल में, ठीक है ना, ये क्या है, सेवेंथ सेल में। ठीक है, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, मान लीजिए सिक्स एंड सेवन यहां पे है। ठीक है,
अब यहां से जो सोडियम है, सपोज करिए सोडियम है न्यूक्लियस आपका, तो यहां से क्या इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ए, इसके रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, हाई लगेगा। तो यहां पे जो लूज करेगा तो ए और इजिली लूज करेगा, ठीक है ना। जब ये इजिली लूज करेगा तो यह जो इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सराउंडिंग आपका चक्कर लगाते हैं, स्पिन करते हैं। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स क्या होगा, वेरी वीक होगा कंपेयर टू द सोडियम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, यहाँ पे क्या सोडियम के कंपेयर में इसका हाई होगा ये, और इजिली इसको लूज करेगा, ठीक है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इंक्रीजेज हो गया। अब यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो निगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, यहां पे जो होगा ये डिक्रीजेज होगा। यहां पे इलेक्ट्रो निगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर मीन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो आपका फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन में या नहीं होगा, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये क्लोरीन से लेस होगा, क्लोरीन का ब्रोमीन से लेस होगा, ब्रोमीन का आयोडीन से लेस होगा, मतलब आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो हाइएस्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ फ्लोरीन या क्लोरीन क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू द आयोडीन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये सब क्या है, ये आपके 17 ग्रुप्स में है, इनकी बैलेंसी क्या होती है, इनका जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है 7 होता है, ठीक है ना, 7 होता है। तो इसका मतलब जो इनका आउटर मोस्ट सेल होगा, जो आउटर मोस्ट सेल होगा ये क्या होगा, 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है 7 है, तो अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, और इसी तरह जो आयोडीन है इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ठीक है ए आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यहाँ पे सबको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करना था, यहाँ पे इसको गेन करना है। गेन करने के लिए क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन को आना है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन पावर होगी, ठीक है ना, फ्लोरीन में क्या होगी कंपेयर टू क्लोरीन क्या होगा, हाई होगा। क्लोरीन में क्या होगा, कंपेयर टू ब्रोमीन हाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन में कंपेयर टू आयोडीन हाई होगा। तो यहाँ पे जो गेनिंग पावर है यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। फिर कैसे कैसे धीरे धीरे गेनिंग पावर क्या होगी, लो होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, गेनिंग जो पावर होगी वो लो होगी, इसीलिए जो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। इन्हें ग्रुप जब हम ऑन गोइंग डाउन जाते हैं, ठीक है ना, किसी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में जब डाउन की तरफ जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर जो शो होता है वो डिक्रीजेज ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इसी को ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, लूज इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर यहां लिख लें तो क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यहां क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू, यहां पे क्या था, लूज इलेक्ट्रॉन्स था, सॉरी आप स्क्रीन ओवर है, आपका लॉस है, लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा यहां पे, ये डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है ना। हम जो भी यहां पे राइट हुआ है क्या, रिस्पेक्ट टू ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, हम जब ग्रुप में किसी भी ग्रुप में जब हम डाउन यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ जब मूव करते हैं, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंक्रीज होता है, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिक्रीज होता है। जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होता है तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, आपका टेंडेंसी एटम की जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी डिक्रीज होगा, और इसके कंपेयर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करेगा,
जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है, ठीक है ना, टेंडेंसी आप इन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज होगा, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होगा मेटलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो क्या है, आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या लिख सकते हैं आई एम गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, there is no change the nature of oxide, of elements, ठीक है ना। I'm going from top to bottom in a group of the periodic table, there is no change in The नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्साइड है, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है ना, पोटेशियम का ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड के जो नेचर है, तो इसके एक ग्रुप में जो भी नेचर होगा वो सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें या सेकेंड ग्रुप की बात करें, तो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप क्या, ये मेटल ग्रुप है, तो इसके जो ऑक्साइड होते हैं ये कौन से नेचर के होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप के जो ऑक्साइड है क्या, ये बेसिक नेचर के, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम 17 ग्रुप की बात करें, 17 ग्रुप हमारा क्या है, 17 ग्रुप मतलब जिसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 ग्रुप हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, क्या है आपका, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये हमारे जो ग्रुप के एलिमेंट्स है, यहां पे जो इनके ऑक्साइड क्या होंगे, ये एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है ना। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, 17 ग्रुप जो हाइड्रोजन ग्रुप है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो ऑक्साइड होंगे तो सभी एसिडिक नेचर के होंगे। इस तरह जो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो उसके ऑक्साइड हैं तो बेसिक नेचर के होंगे। तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनका जो नेचर होगा उस ग्रुप में एलिमेंट्स में चेंज नहीं होगा, जब हम डिफरेंट ग्रुप में जाएंगे तब वो चेंज होगा, बट जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसका जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है, देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड इन द सेम ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा, ये आपका जो लिथियम होता है ये लिस्ट रिएक्टिव है, और आपका फ्रांसियम जो क्या है ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, The chemical reactivity of metals, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, metals की बात कर रहे हैं। यहां पे जो metals हैं, इनकी जो chemical reactivity है, ठीक है ना, इन ए ग्रुप क्या होता है, इंक्रीजेज होता है। अगर कंपेयर टू करें, अगर हेलोजन ग्रुप क्या था, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहां पे क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है ना, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, डिक्रीजेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे जो
इलेक्ट्रोनिगेटिव था, ठीक है ना। यहाँ पे जो गेनिंग क्या था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, यानी पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिव करेक्टर था ये हाई था, धीरे धीरे इलेक्ट्रोनिगेटिव करेक्टर क्या था, डिक्रीज था, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन करने की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। जब ये पावर डिक्रीजिंग हो जाएगी तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये हाई रिएक्टिव होगा, ये आपका लो रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो केमिकल रिएक्टिविटी है इन ए ग्रुप, अगर मेटल के केस में देखा जाए तो इंक्रीजिंग है, और नॉन मेटल केस में क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। बात है मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसका मेरिट्स क्या क्या, अगर फर्स्ट मेरिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज क्या है, मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसका बेस क्या था, एटॉमिक नंबर था। तो एटॉमिक नंबर होने की वजह से जो एलिमेंट्स की जो मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर मींस क्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है एटम की प्रॉपर्टीज को तय करने में। तो ये एटॉमिक नंबर के बेस पे होने के लिए क्या था, ये फर्स्ट मेरिट्स था, क्योंकि यही जो मोस्ट फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, और एटॉमिक नंबर ही बेस्ड बनाया गया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। अगर सेकेंड इसकी मेरिट्स आए तो क्या है, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल टेल्स अस टू अंडरस्टैंड why the elements in a same group so similar properties, and the elements in different group so different properties, ठीक है। अब हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ये हमें समझने में भी मदद करता है, ठीक है ना। टेबल हेल्प अस टू, ठीक है ना, ये हमारा समझने में क्या मदद करता है कि जो हमारा सेम ग्रुप में होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेम ग्रुप में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, और जो डिफरेंट ग्रुप में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, वो उसी ग्रुप में आता है, तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सिमिलर होती है, और जो डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर थर्ड की बात करें, इसकी मेरिट क्या है, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल tells us why the, या कह सकते हैं explain explain the reason
एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पीरियडिसिटी. आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है ना, जो हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है वो एक्सप्लेन करता है उस रीजन को. ठीक है ना, कि ये पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो क्या था, एक पीरियड के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद आती है. क्यों, जो हमारा मॉडर्न पीरियाडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, द आपका जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है क्या है, द फंक्शन ऑफ द पीरियडिसिटी ऑफ द एटॉमिक नंबर. जो एटॉमिक नंबर के फंक्शन है उसी की पीरियडिसिटी है. तो एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्या होता, जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे क्या करते हैं, जब हम उसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो उसी ग्रुप में आके आता है. तो वो क्या करता है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो एक्सप्लेन करता है रीजन ऑफ द पीरियडिसिटी. वो जो पीरियडिसिटी का रीजन बताता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन भी करता है. आपका थर्ड क्या था, द मॉडर्न पीरियड टेबल एक्सप्लेन्स द रीजन्स ऑफ द पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है ना, अब अगर फोर्थ देखा जाए तो क्या है, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल टेल्स अस व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स properties of elements are repeated after 2, 8, 18, 32 elements. ठीक है ना, हमारा modern periodic table जो है ये बताता है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है ये रिपीट होता है हमेशा 2, 8, 18 and 32. अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट पीरियड था उसमें कितने था, आपका दो एलिमेंट्स थे, सेकेंड में क्या था, 8 था, थर्ड में भी 8 था, फिर 18 था, फिर 32 था. तो इसको एक्सप्लेन करता है क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो के एलिमेंट सेल है, ठीक है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका के एलिमेंट सेल के आधार पे, तो ये बताता है कि इसमें मैक्सिमम 2, 8. ठीक है ना, तो इस आधार पे क्या होता है, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर पीरियड के बाद वो फिर उसी ग्रुप में बिलोंग करता है. तो ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ये हमें ये भी बताता है. अगर इसकी फिफ्थ पॉइंट ले तो क्या है, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा आपका, इसको आप कॉपी पर राइट कर लीजिएगा, यहीं पर मैं राइट कर दे रहा हूं. इसका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, There is no any anomalies. In the arrangement of elements in modern periodic table at present. ठीक है ना, अगर देखा जाए तो जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है अब इसमें कोई भी एनोमलीज नहीं है. एनोमलीज मीन्स लिमिटेशन, कमियां. यानी अब जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो कि एटॉमिक नंबर का बेस्ड है, तो उस पर जो भी बनाया गया था वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करता था, इसलिए इसमें कोई भी एनोमलीज नहीं है. तो ये इसके मेन मेरिट्स हो गए. ठीक है ना, अब इसके थोड़ा सा एडवांटेज भी लिख देता हूँ. नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल. हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो अगर फर्स्ट एडवांटेज देखा जाए तो क्या है, द पीरियडिक टेबल हैज मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री सिस्टमेटिक एंड इजी. जो हमारे केमिस्ट्री को अध्ययन करने में इसको सिस्टमेटिक और सरल बनाता है. ठीक है ना, जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें हम सारे एलिमेंट्स का जो स्टडी करते हैं तो उसको इजी बनाता है और सिस्टमेटिक ढंग से बनाता है. सेकेंड अगर आते हैं तो इट इज इजियर टू रिमेम्बर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. यानी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को रिमेम्बर क्या करता है, इजी बनाता है.
क्योंकि हम अगर एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं, अगर उसमें एक भी एलिमेंट्स का अगर प्रॉपर्टीज हमको पता है, तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये क्या करता है, इट्स पोजीशन इन द पीरियाडिक टेबल। अगर उसके पोजीशन हमें पीरियाडिक टेबल में पता हो उस एलिमेंट के, तो उसकी प्रॉपर्टीज हमको रिमेम्बर करने में आसान हो जाती है, ठीक है ना। यानी एक एलिमेंट की अगर हम प्रॉपर्टी को रिमेम्बर कर लें, तो उस ग्रुप में आने वाले लगभग सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हमें सिमिलर होती है, इसलिए लर्न करना आसान होता है। द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाई एन एलिमेंट, जो कोई भी एलिमेंट है अगर उससे कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी हम पहले से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं इट्स पोजिशन इन द पीरियाडिक टेबल। अगर हमको पीरियाडिक टेबल में पहले से पता हो कि उसकी किस पोजिशन पे हो, जैसे एग्जाम्पल ले लें सोडियम आपका पोटेशियम है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ग्रुप का है, तो सोडियम का अगर ऑक्साइड Na2O है, तो इसकी भी ऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा, K2 होगा, क्योंकि जो बैलेंसी इसकी है सेम बैलेंसी ग्रुप में होती है, क्योंकि एक ग्रुप में जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी बैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। अगर एक का फार्मूला कंपाउंड का अगर है, तो दूसरे का भी कंपाउंड का फार्मूला यही होगा, ठीक है ना। इस तरह अगर कैल्शियम मैग्नीशियम का देखा जाए, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ भी फार्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ भी सेम फार्मूला होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा उसका फार्मूला RO बन जाएगा, यहाँ पे जो बनेगा क्या हो जाएगा, R2 बन जाएगा। तो हमको ये स्टडी करने में भी हेल्प होता है, ठीक है, मदद मिलती है। तो यहाँ पे क्या था, टाइप ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाई एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाई द नोइंग इट्स पोजिशन इन द पीरियाडिक टेबल। फोर्थ आपका क्या है, द पीरियाडिक टेबल चार्ट, जो हमारा पीरियाडिक टेबल चार्ट होता है जो आप केमिस्ट्री में देखते होंगे, उस चार्ट से क्या होता है, ये टीचिंग एट केमिस्ट्री इन स्कूल एंड कॉलेज, जो हमारे स्कूल और कॉलेज में जो केमिस्ट्री की टीचिंग होती है उसमें जो मॉडर्न पीरियाडिक चार्ट होता है वो एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने में हमको इजी बनाता है और उसको सरल बनाता है, ताकि हम उसका स्टडी आसानी से कर सके। तो इसके मेन मेन एडवांटेज होगा, ठीक है।